तो बॉस वाकी साहब, अक्रम चीमा, अदील और बाकी तमाम साथी जो अभी आपने अक्रम बात कर रहे थे, जिन मंसूबों की आपको पता है, हमने पहले भी आपके साथ कोशिश की है कि जो वफाद की तरफ से वसाइल चाहिए मंसूबों करने के लिए, जो कोई मंजूरी चाहिए वो बर्बाद की जाए और इंशाल्लाह तआला आगे भी चलता रहेगा। आपने ये बताया हमें कि जामिया मिलिया के लिए जो है सिंध की हुकूमत जो है वो ताखीर कर रही है, तो बड़ी बदकिस्मती की बात है। यही चीज हैदराबाद फेडरल इंस्टीट्यूट जो हम बनाने जा रहे हैं, और कई दफा ये बात हम कर चुके हैं, हर दफा हमें ये हमी भी भरी जाती है, हर दफा हमें बताया जाता है। उम्मीद ये है कि वो भी और ये जामिया मिलिया वाला जो केस है, ये दोनों जो है वो जल्द से जल्द करेंगे। सूबे तो बाकी तमाम जो है वो वफाक से चाहते हैं, वो मांगते हैं मदद कि हमारे इलाकों में आकर मदद की जाए, लेकिन ये अजीबोगरीब सूरत हाल है कि सिंध में जब वफाक काम करने की कोशिश करते हैं तो उसके ऊपर भी रोड़े अटकाए जाते हैं। नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की जब मीटिंग हो रही थी उसमें हमने कराची के लिए एक बड़ी रकम रखी थी छोटे मनसूबों के लिए, बड़े मनसूबे तो कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर जो है कराची सर्कुलर रेलवे है, K4 का पानी का मंसूबा है, ग्रीन लाइन का बस का मंसूबा है, महमूदाबाद गुजर औरंगी नालों की सफाई और वहां पर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन डालने और इसके सब के जो बड़े मंसूबे तो है ही है, लेकिन छोटे मंसूबे अभी हम जब आ रहे थे तो मैंने भी अंदर आते सबसे पहले ये चीज अदील को गई, यार अदील खुदा का वास्ता सड़क पे उधर बना दो। तो ये छोटी छोटी जो काम है इसके लिए भी हमने पैसे रखे। तो वजीर आला सिंह जो है वो बार बार वजीर आजम साहब कहते थे कि वजीर आजम साहब जी आपका बड़ा शुक्रिया कि आप हमारे लिए कर रहे हैं, लेकिन क्या ये वजीर आजम का काम है कि इतने छोटे छोटे चीजों के ऊपर मंसूबों के ऊपर वजीर आजम काम करें? काम तो नहीं है भाई, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो फिर किसी को तो करना पड़ेगा ना। आप कराची को अपना नहीं समझते, हम तो अपना समझते हैं, तो हम तो काम करने की कोशिश जारी रखेंगे। जहां तक इन्होंने बात की अक्रम ने, बिल्कुल दोस्त बात की कि ये ज्यादातर काम जो है ये एक मुकामी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। तमाम दुनिया के अंदर ऐसे काम जो है वो मुकामी हुकूमत करती है, लेकिन सिंध के अंदर जो मुकामी हुकूमत का निजाम है, जिस कानून के तहत वो निजाम चलाया जाता है, वो हमारी राय आईन की रूह पर पूरा ही नहीं करता। आईन क्या कहता है? आर्टिकल 140 ये कहता है कि एक मुकामी हुकूमत का निजाम होगा जिस निजाम के पास माली, इंतजामी और सियासी इख्तियार होगा। जो कराची और सिंध के दूसरे शहरों के लिए जो निजाम कानून इस वक्त बना हुआ है वो ना सियासी तौर पर बा इख्तियार है, ना माली तौर पर बा इख्तियार है, ना इंतजामी तौर पर बा इख्तियार है। हत्ता कि ये वो चीजें जो सारे पाकिस्तान में मुकामी हुकूमत के इख्तियार में होती है, जैसे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, जैसे वाटर सीवरेज की अथॉरिटी है, सारे पाकिस्तान में ये मुकामी हुकूमत के पास है। जो कराची में ये मुकामी हुकूमत के पास हुआ करती थी वो भी सिंध की हुकूमत ने सूबाई इख्तियार कर लिया उसका। और जब कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हमारा मनसूबा तय पाया सिंध और हमारी सिंधी हुकूमत और वफाकी हुकूमत का आपस में उसके ऊपर इत्तेफाक हुआ, तो एक जो हमने मुतालबा किया था उसमें से एक मुतालबा ये भी था कि ये इदारे जो सारे पाकिस्तान में मुकामी हुकूमत के होते हैं, उसी शहर के अंदर होते हैं, इनको दोबारा से कराची के अख्तियार में दिया जाए। और उसके ऊपर सूबाई वजीर आला जो है उन्होंने इत्तेफाक भी किया था, और कई दफा वो उसके बाद हामी भी भर चुके हैं कि इसको हम जल्द करेंगे, लेकिन आज तक वो हुआ नहीं। तो मैं एक बार फिर इसको याद दिलाता हूं कि ये वादा किया गया था और उम्मीद है कि उस वादे को वफा करेंगे। लेकिन साथ साथ एक ऐसा निजाम, जैसे मैंने कहा, जो बाख्तियार हो मुकामी हुकूमत का निजाम, ताकि कराची के जो मुंतखब नुमाइंदे हो वो सूबाई हुकूमत के रहम करम पर ना हो, उसके लिए आपको पता है एमपीएम ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की थी और तहरीक इंसाफ ने भी वो पिटीशन फाइल की। वो पिटीशन फाइल तो किसी से भी तहरीक इंसाफ के शख्स से करवा सकते थे, लेकिन क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट को भी और कराची को भी ये पैगाम देना चाहते थे कि हमारे लिए ये मसला जो है वो पाकिस्तान के बड़े मसाइल जो हैं ये उनके बराबर है, और ये एक ऐसा मसला है जिसको तहरीक इंसाफ के
सबसे बड़े रहनुमा जो है वो खुद फोन करते हैं, इसलिए वो पेटिशन जो हमने फाइल की कि सिंध के अंदर एक मुकामी हुकूमत का निजाम हो जो जाहिर है कराची पे भी लागू होगा वो बाइख्तियार हो, उस पेटिशन को तहरीक इंसाफ की तरफ से वजीर आजम इमरान खान साहब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हैसियत से और मैंने खुद जाती तौर पर साइन किया है, उसकी हेयरिंग हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला सुनाएगा और हिदायत जारी होंगी सिंध की हुकूमतों के कानून को आईन की रूह के मुताबिक किया जाए। और उसके बाद जो अगला मुकामी हुकूमत का इलेक्शन जो कि इस साल होना है वो जब जब इलेक्शन होगा और नए निजाम के तहत होगा, बाइख्तियार लोग होंगे, वसाइल उनके पास होंगे, तो जब मैं आइंदा फैसल कॉलोनी आऊं या कराची के किसी इलाके के अंदर जाऊं तो वो मुझसे ये ना पूछेंगे वफाक हमारे लिए क्या हो करेगी, हम उनसे पूछेंगे आज बताएं आपने अपने इलाके के लिए क्या किया, ठीक है कि नहीं। क्योंकि अवाम से बेहतर एहतसाब कोई नहीं कर सकता और एक मुकामी हुकूमत का ऐसा निजाम जहां आपका मुंतखब नुमाइंदा आपके इलाके में रहता हो, आपको पता हो कि किस दरवाजे पर जाके दस्तक देनी है और अगर काम नहीं हुआ तो किससे काम करवाने के लिए बात करनी है, वो आपस में ही होंगे, इख्तियार अवाम के पास होगा, अवाम पाकिस्तान के शहरियों के पास होगा, चंद सियासी घरानों के पास नहीं होगा। जब ही वो बनेगा नया पाकिस्तान जिसकी इमरान खान बात करते हैं और जिसकी जद्दोजहद में लगे हुए हैं, इंशाल्लाह ताला ये निजाम बाकी पाकिस्तान भी देखेगा और कराची भी देखेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। असद भाई आपने ये कहा था जब पाकिस्तान स्टील मिल का मामला उठा था तो जब आप अपोजिशन में थे आपने कहा था कि मैं पीटीए के साथ नहीं हूँ, मैं जो स्टील मिल के मुलाजमीन है उनके साथ हूँ, तो आज आप क्यों उनको छोड़कर पीटीए के साथ हो गए, उनको कोई परेशानी आ रही है? और दूसरा, सेनेट इलेक्शन में इससे पहले खान साहब ने ये कहा करते थे कि जो भी नुमाइंदे हैं उनको जो पैसे दिए जाते हैं वो रिश्वत होती है, तो आज 50-50 करोड़ का जो ऐलान किया जा रहा है ये क्या है, रिश्वत नहीं तो फिर क्या कहा जाएगा इसके तरह जो लोगों का जवाब दें? तो पहले वाले सवाल का जवाब आपको भी पता है, सारे पाकिस्तान का मीडिया सपोर्ट कर रिपोर्ट कर चुका है, आपको पता है असद उमर कहां खड़े थे, तो वो सवाल अच्छा है पूछने के लिए, जवाब आपको मालूम है। दूसरा जो सवाल आपने पूछा भाईजान, हम उस पैसे की बात कर रहे हैं, आपको भी पता है मुझसे बहुत ज्यादा नहीं है, आपको पता है। जो दूसरा आपने सवाल पूछा सर जी, हम वो पैसे की बात कर रहे हैं जो पैसे एमएलए और एमएनए की जेब में डाल के उनको खरीदा जाता था, ये उस पैसे की बात हो रही है जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तहरीक इंसाफ के एमएलए ने 5-5 करोड़ रुपए कैश लिया और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक सिटिंग गवर्नमेंट ने 20 को जगदीश अपनी पार्टी से बाहर निकाल दिया, अपनी हुकूमत की फिक्र नहीं की। फंड की बात कर रहे हैं ये वो फंड है जिससे इलाके के अंदर काम होना है, जिससे सीवरेज का काम करवाना है, जिससे पानी का काम करवाना है, जिससे ये सड़क ठीक करवानी है, यानी वो काम करना है जो लोग सुबह नहीं जिम्मेदारी है लेकिन नहीं कर रही, लेकिन पैसा दे दिया नुमाइंदों को जाइए वहां बस तैयार कराए।